ये देखो गाइस, ये क्या हो गया? मतलब ऑयल पंप से ही मोबाइल चूरा है, देख रहे हो ना? गैसकेट फट गया होगा जैसा कि दिख रहा है। अब देखो, तुमको दिख रहा है जो रेडिएटर में पाइप जाता है कूलेंट ठंडा करने के लिए, जो पानी इधर उधर होता है वहाँ का भी पाइप फट गया है, उसको भी बनाया जा रहा है। अगर तुम देख पा रहे होगे तो देखो चूरा है, तुमको दिख ही रहा होगा एकदम ध्यान से देखोगे तो यही सब है। मेरे को कैमरा पकड़ने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, पर देखते जा, मैं घुमा के दिखाने की कोशिश तो कर रहा हूँ, पर मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता। ऊपर पहले ही 6-7 जन चढ़े हुए हैं, तो वहाँ पे चढ़ने का कोई अति नहीं बनता है, काम भी नहीं करते हैं। मतलब काम तो वहाँ पे कर ही रहे हैं, इतने सारे खड़े हैं देख रहे हैं, तो वहाँ चढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखो, इधर हम ऊपर आए तो कल बारिश हुआ था तो देखो सॉवेल अभी पानी में डूबा हुआ है, तो भाई पूरा चक्का डूबा हुआ है, देख रहे हो? क्या लगता है तुमको? और सार की ये इलेक्ट्रिक सॉवेल है, समझ रहे हो? मैंने बताया ही होगा, ये S5 है, देख रहे हो? पूरा चक्का ही डूब गया है पीछे वाला। पर थोड़ा देर पहले तो और था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया, दौड़ के हम ऊपर आए हैं अभी इसको करने के लिए। तो भाई उधर LNT है, LNT 300, उसमें से देखो वहाँ पे बनाया जा रहा है नली टाइप से बनाया जा रहा है, ताकि वो पानी निकल जाए। और इस भाई ये ना अभी बहुत रिस्की है सॉवेल, अगर मान लो इसमें कोई लाइन दे दिया तो अर्थिंग पकड़ लिया, तो सोचो कोई किसी का जान भी जा सकता है। 33,000 वोल्ट का रहता है, 33,000 वोल्ट सार की क्या चीज़ है ये, 240 वोल्ट लगता है तो हिल जाता आदमी, इसमें 33,000 वोल्ट है, लगेगा तो साले 9, 2, 11 हो जाएगा, ऊपर भगवान को प्यारा हो जाएगा। तो वही है LNT इसको कर रहा है, गर्दा डूबा हुआ है ना गजब का, पानी अब निकलेगा वहाँ से, पानी जाना स्टार्ट हो ही गया है पूरी। भाई बारिश देखो, अभी भी बारिश हो ही रहा है, अगर तुम देखोगे ध्यान से तो तुमको दिख ही रहा हो। छोटा सा गाड़ी में इतना प्रॉब्लम होता है कि हम लोग को हिचकिचा जाता है दिमाग से, इन लोग का तो बड़ा बड़ा गाड़ी है। हम भींग के बना रहे हैं वीडियो भाई तुम लोग के लिए, अगर तुमको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ये तो, और तुम लोग को पता नहीं है क्या, ये डकरा OCP है, मतलब डकरा ओपन कास्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे सिर्फ डकरा का ही काम होता है, और यहाँ पे बहुत सारा है ऐसा, पीपरवार है, अशोका है, चूरी है, चूरी एक्चुअली में अंडरग्राउंड माइनिंग है, और खलारी है, खलारी नहीं, KDH है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, रोहिणी है, पूर्णाडी है, डेम्बुआ तरफ अभी नहीं खुला है, पूर्णाडी भी उसको कहते हैं, और थोड़ा दूर में है आम्रपली नाम है उसका, टंडवा साइड है वो थोड़ा सा। अब इंजॉय करो भाई, क्या बोले हम इसमें, आंखों से देखना और फिर कैमरा में देखना, स्विंग स्विंग यहाँ से ऐसे करके स्विंग निकाल देना एकदम। अब देखो नली बन गया है, पूरा पार हो गया, अब स्पीड में पानी जा रहा है, पूरा निकलेगा पानी, पूरा जाएगा बाहर। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा ध्यान से देखिए, पूरा स्पीड में पानी निकल रहा है, हम थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं। इधर ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, और भाई ऐसे सेफ्टी ऑफिसर के सामने ऐसे खड़े मत हो जाना इधर साइड में, क्योंकि ये सब क्या बोलते हैं, ब्लास्टिंग किया हुआ है, ये सब घसकेगा ना, तो सेफ्टी गेयर के साथ ही खड़े रहना। हम तो टोपी वोपी पहने हुए हैं, माइनिंग शूज पहने हुए हैं जैसा कि आपको दिखा होगा वीडियो में, तो वैसे ही खड़े रहना। मैं तो बाबू गाली सुनने का एकदम तुम प्रबंध कर चुके हो, इधर से पानी कम होने लगा शायद आपको दिख रहा हो, तो स्पीड फ्लो में निकल रहा पानी, सारा चक्का दिखना चालू हो गया है, फिर से हम नीचे उतर जाते हैं, नहीं तो यहाँ मेरा बैंड भी बच जाएगा, काम हुआ ख़त्म, चलेगा अब मशीन।
वहाँ सीनियर लोग हैं। तो भाई आज का व्लॉग में बस इतना ही था। पानी ख़त्म होता है तो हम तुमको बताते हैं, पानी तो ख़त्म हो ही जाएगा और उधर गैसकेट भी बन रहा था नीचे। तो आज के लिए बस इतना ही, धूप वूप निकल गया है, पूरा बारिश ख़त्म हो गया है, देख रहे हो फिर भी कीचड़ कीचड़ है। चक्का तो भींग मतलब स्पीड कर रहा है पर चलता है, इतना अब आदत हो गया है गाड़ी चलाने का तो आराम से हम चला लेते हैं। वैसे भी कोल माइंस में तो इतना ही चलता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू।